कैसी हो? तबीयत कैसी? शादी मुबारक हो। मैंने जो पूछा उस बात का जवाब दो। बच्ची नहीं हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आइंदा से अगर आपने इस किस्म के बचकाने सवाल करने के लिए फोन किया तो मैं फोन नहीं उठाऊंगी। मैं जानता हूँ तुम तो मेरी और यूबी की शादी को लेकर गुस्से में। ओ यस, यही तो मैंने उसे कहा था। ओ माय गॉड, तुमने भी उसको देख लिया? हाँ, ओ साथ चलेंगे, ठीक है। आई कॉल यू लेटर। कहीं जा रही है? पूछ सकती हूँ कहाँ जा रही हूँ? वो मुझे इस्लामाबाद जाना है ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए, वही लेने जा रही हूँ। ओ हाँ, याद आया, मामू जान ने बताया था कि तुम इस्लामाबाद जा रही हो पढ़ने के लिए। वैसे इस्लामाबाद जाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो यहाँ रहकर भी पढ़ाई कर सकती हो। मुझे कहाँ जाकर कब क्या करना है ये मेरी मर्जी पर है। वैसे तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना मेरे इस्लामाबाद जाने से? मुझे क्यों होगा मसला? मैं तो इसलिए कह रही थी कि कभी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब तो तुम्हारे पास मुझसे बात तक करने का टाइम नहीं। सोचा था हम पहले की तरह रहेंगे, अगर तुम तो इस्लामाबाद जा रही हो। तुम इतनी घुमा फिरा के बातें क्यों करती हो? जो कहना चाहती हो साफ कहो ना। साफ कहा बर्दाश्त नहीं होता ना। अब जैसे मैं कहूँ, तुम बहुत बदल गई हो। शादीशुदा मैं हूं, मगर लग तुम रही हो। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? जो भी तुम भी फजूल किस्म की बातें करोगी तो। अभी तो मैंने पूरी बात ही नहीं की। दरअसल मुझे तो बहुत पहले से पता है कि उस रात तुम अर्शिया की बहन की शादी में नहीं गई थी। तो फिर कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। कहाँ गई थी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम यहाँ मेरे ही घर में मेरे भाई की बीवी बनकर मेरे कैरेक्टर और मेरी जात पर कीचड़ उछालने आई हो? इस बात का तो अंदाजा मुझे बहुत पहले से ही हो गया था कि तुम मेरी दोस्त तो नहीं हो, मगर आज इस बात का यकीन भी हो गया है। अरे मन, तुम तो नाराज हो गई। नाराज हो गई हो? मेरी तफ्तीश करने की बजाय अगर तुम अपनी नई शादीशुदा जिंदगी पर तवज्जो दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। इसके लिए मुझे तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं, अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स मैं खुद ही हैंडल कर सकती। बहुत खूब, तो पहले वो ठीक कर लो। बाबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, कहो बेटा। जिस तरह अक्रम फुपा ने हक मेहर का बहाना बना के सब कुछ सूबी के नाम पे करना चाहा, क्या वो आपके इल्म में था? प्लीज मुझे बताएं बाबा, आपने क्या कुछ सूबी के नाम कर दिए? बेटा, तुम तो ये अच्छी तरह जानते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। बिजनेस डूब गया था, कर्जों ने कमर तोड़ दी थी, तुमने भी कोशिश की, हमारी हर कोशिश नाकाम हो गई। फिर मैंने अकरम भाई से बात की, मजबूरन मुझे उनकी सब शरायत माननी पड़ी। कैसी शरायत? ये घर, बिजनेस और सब कुछ जूबी के हक मेहर में लिख देने की शराय। परेशान ना हो बेटा, देखो तुम बदगुमान ना हो, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ऐसा तो आप समझते हैं ना, मुझे पता है कि वो क्या करेगी। आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया बाबा, कम से कम आपको मुझसे तो पूछ लेना चाहिए था। तो फिर क्या तुम उससे शादी नहीं करते?
कम से कम इन शरायत पे तो ना करता। बेटा तुम उससे प्यार से पेश आओ, वो तुम्हें सब कुछ दे देगी। देखो सर नाराज है, गुस्से में है, तुमने अभी तक विशा को तलाक भी तो नहीं दी ना। विशा को तलाक दे दो, सुबह ठीक हो जाएगी। उसे ठीक करने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जैसा आप सोच रहे हैं। जरूर कोई ऐसी बात हो रही थी जो मेरे सामने नहीं की जा सकती, इसीलिए आप लोग खामोश हो गए। एनीवेज मैं तुमसे पूछने आई हूं कि शाम में बिजी तो नहीं हो, हमें मामा के यहाँ डिनर पे जाना है। ठीक है चलेंगे। ओके। और हाँ मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आ जाऊंगी एक दो घंटे तक। बेटा मुझे गलत मत समझना, मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारे लिए किया। बेटा चलता हूँ बाबा। भाभी शुक्र है तुम आ गई। क्यों क्या हुआ भाभी? तुम वो सब छोड़ो, पहले दवाइयां खाओ जल्दी। अब बताएं क्या हुआ है? अंजला है ना, वकार उसे फोन करके एक चीज की खबर लेते हैं। खाना तो दूर की बात, उसे इस बात की भी सख्ती से इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि दवाइयां भी मुझे अपने हाथ से अपने सामने खिलानी है। मेरे पास एक तरीका है। क्या? हम ऐसा करते हैं